हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मजलिस आईएमआईएम में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022, राजभर ने कहा असदुद्दीन ओवैसी के साथ सीटों की तकसीम पर बातचीत नहीं हुई। 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के ओवैसी के दावा को राजभर ने किया मुस्तरद। जिस पर आपको बताते चले, एमआईएम और एसबीएसपी की कारकिर्दगी 2017 इलेक्शन में मजलिस ने 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के बावजूद एक भी सीट न जीत सकी और मजलिस के वोटों का फीसद 0.2 रहा। और एसबीएसपी ने 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और 4 सीटों पर कामयाब रहा और वोटों का फीसद 0.7 हासिल किया। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह 100 सीटों पर ऐलान कर दिया था इलेक्शन लड़ने का, जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके बताया था कि हम 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, जिस पर राजभर ने कहा था कि उस सीटों पर कोई बातचीत नहीं हुई, हमारा मकसद है यहां पर बीजेपी को हराना और खुद को कामयाब होना है। इसी की वजह से अभी 100 सीटों पर ऐलान करते हुए राजभर सिंह नाराज नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खबर?